नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की 10 सबसे रिचेस्ट सिटीज के बारे में। भारत जीडीपी पीपीपी टर्म में 2023 में 13 ट्रिलियन डॉलर्स को भी पार कर चुका है, जिसमें हमारे बड़े बड़े शहरों का योगदान सबसे ज्यादा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के वो कौन से टॉप 10 शहर हैं जिनकी पीपीपी जीडीपी देश में सबसे ज्यादा है। दोस्तों, वीडियो में बताया गया सारा डाटा 2023 का बिल्कुल फ्रेश डाटा है और क्रेडिबल सोर्सेज से लिया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं आज का ये इकोनॉमिकल इंफॉर्मेटिव वीडियो। नंबर 10, विशाखापट्टनम। सिटी ऑफ डेस्टिनी और ज्वेल ऑफ द ईस्ट कोस्ट के नाम से प्रसिद्ध ये शहर वाइजैग नाम से भी जाना जाता है। विशाखापट्टनम में ही भारत का सबसे पुराना शिपयार्ड मौजूद है। विशाखापट्टनम पूरे एशिया में तेजी से उभरते हुए शहरों में शामिल है। वाइजैग आंध्र प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शहर है, जहां जहाज निर्माण, ऑयल रिफाइनरी, स्टील प्लांट और पावर प्लांट जैसे बड़े उद्योग हैं, तो वहीं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसके चलते यहां का जीडीपी लगभग 50 बिलियन डॉलर्स का है, जिसे शहर का पर कैपिटा इनकम बनता है 3650 यूएस डॉलर्स। नंबर 9, सूरत। सूरत भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है और इसे सिल्क सिटी, डायमंड सिटी, ग्रीन सिटी और सिटी ऑफ ब्रिजेस जैसे कई नामों से जाना जाता है। भारत में बेस्ट लिवेबल सिटीज की लिस्ट में सूरत 5वें रैंक पर आता है। ये शहर मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया जा रहा है, जैसे कि सूरत मेट्रो, सूरत एयरपोर्ट एक्सपेंशन, सूरत आउटर रिंग रोड और एक ग्रीनफील्ड बिजनेस एंड फाइनेंशियल हब सिटी, जो कि ड्रीम सिटी के नाम से जाना जाता है। इन्हीं सब के चलते सूरत का जीडीपी 60 बिलियन डॉलर्स का है, विद पर कैपिटा इनकम ऑफ 7440 यूएस डॉलर्स। नंबर 8, अहमदाबाद। गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद, जो कि गांधीनगर से पहले गुजरात का राजधानी हुआ करता था। ये शहर अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कॉटन प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा अहमदाबाद एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी है, जहां सदियों पुराने एंटीक स्ट्रक्चर वाले मॉन्यूमेंट और गलियां मौजूद हैं, जिसके चलते अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया और हेरिटेज सिटी भी बोला जाता है। इसके अलावा ये शहर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते यहाँ के इकोनॉमी में भी बूम आ रहा है। आज अहमदाबाद का जीडीपी 68 बिलियन डॉलर्स है, पर अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन एरिया का जीडीपी 110 बिलियन डॉलर्स का है और शहर का पर कैपिटा इनकम है 8840 यूएस डॉलर्स। नंबर 7, पुणे। क्वीन ऑफ डेक्कन और ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से मशहूर पुणे शहर ने पिछले कुछ सालों में बहुत तेज उन्नति की है। आप इसी बात से जान सकते हैं कि पुणे में 250 से ज्यादा जर्मन कंपनियों ने अपना ऑफिस खोला है। ये शहर भारत के आईटी हब में से एक है, जहां विप्रो, इंफोसिस, टीसीएस जैसे 800 से ज्यादा कंपनियां हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी पुणे बहुत आगे है, जहां टाटा, बजाज, मर्सिडीज, वोल्क्सवैगन जैसे फोर व्हीलर और टू व्हीलर कंपनीज की फैक्ट्री पुणे में लगी हैं। इन्हीं सब के चलते पुणे सिटी का जीडीपी है 70 बिलियन डॉलर्स, तो वहीं पुणे मेट्रोपॉलिटन का जीडीपी है 92 बिलियन डॉलर्स, विद पर कैपिटा इनकम ऑफ 16,252 यूएस डॉलर। नंबर 6, हैदराबाद। ये शहर सिटी ऑफ पर्ल्स और सिटी ऑफ निजाम्स के नाम से भी जाना जाता है। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा ओरिजिनल मोती इसी शहर में पाया जाता है। इसके अलावा आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी हैदराबाद तेजी से उन्नति कर रहा है। अमेजॉन, टीसीएस, डेलॉयट, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक और डेल जैसी दिग्गज कंपनीज के ऑफिसेज आपको इस शहर में मिल जाएंगे। हैदराबादी बिरयानी के लिए मशहूर ये शहर आज तेजी से मॉडर्नाइज भी हो रहा है। हैदराबाद सिटी का जीडीपी आज 83.5 बिलियन डॉलर्स का है, तो वहीं हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन का जीडीपी 110 बिलियन डॉलर्स से भी ज्यादा का है। शहर का जीडीपी पर कैपिटा 9050 यूएस डॉलर्स का है। नंबर 5, चेन्नई। भारत के दक्षिणी भाग का सबसे बड़ा शहर और तमिलनाडु राज्य का राजधानी चेन्नई शहर को डेट्रॉइट ऑफ एशिया नाम से भी जाना जाता है। ये शहर न सिर्फ भारत बल्कि पूरे एशिया में सबसे अच्छे मेडिकल सेक्टर और बड़े मैन्युफैक्चरिंग शहरों में से एक है, जिसके चलते चेन्नई को हेल्थ केयर कैपिटल ऑफ इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। चेन्नई की इकोनॉमी में मेडिकल टूरिज्म भी एक बड़ा सोर्स है, जहां विदेशों से लाखों की संख्या में लोग अपना सस्ता और उच्च कोटि का इलाज करवाने आते हैं। इसके अलावा शहर में BMW, फोर्ड, महिंद्रा, हुंडई और रॉयल एनफील्ड जैसे ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपना फैक्ट्री लगाया है। चेन्नई सिटी का जीडीपी 86 बिलियन डॉलर्स है
और मेट्रोपॉलिटन एरिया का जीडीपी मिलाकर 200 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का है, विद पर कैपिटा इनकम ऑफ 13,422 यूएस डॉलर। नंबर 4, बेंगलुरु। आईटी सेक्टर में भारत का पूरे दुनिया में प्रतिनिधित्व करने वाला शहर बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ये टाइटल पहले सिलिकॉन वैली ऑफ एशिया हुआ करता था, पर अब ये टाइटल सिंगापुर को मिल गया है। बेंगलोर भारत का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर और सेमीकंडक्टर हब है। यहाँ दुनिया की बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज और ऑटोमोबाइल कंपनीज के ऑफिस और हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं, जैसे कि यूट्यूब, ओरेकल, इंटेल, जेपी मॉर्गन, गूगल, विप्रो, एप्पल, लैम्बर्गिनी, वॉल्वो और रोल्स रॉयस। बेंगलोर सिटी का जीडीपी 110 बिलियन डॉलर्स है और बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन एरिया का जीडीपी 250 बिलियन डॉलर्स है, तो वहीं जीडीपी पर कैपिटा 25,461 डॉलर्स है। नंबर 3, कोलकाता। सिटी ऑफ जॉय के नाम से मशहूर कोलकाता शहर अपने लिटरेचर कल्चर के लिए भी प्रसिद्ध है, न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में, जिसके चलते इसे लिटरेचर सिटी भी बोला जाता है। इसके अलावा कोलकाता एक ऐसा शहर है जिसने पूरे भारत में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज विनर्स दिए हैं। कोलकाता शहर अपने बंदरगाहों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ मछली पालन का व्यवसाय बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। न्यू टाउन कोलकाता में आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक ग्रीनफील्ड सिटी बनाया गया है। यहाँ आईटीसी, ब्रिटानिया, अलाहाबाद बैंक, आईबीएम, फेरारी, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और कॉग्निजेंट जैसे कंपनीज के ऑफिस भी मौजूद हैं। कोलकाता सिटी का जीडीपी 150 बिलियन डॉलर्स का है और कोलकाता मेट्रोपॉलिटन का जीडीपी 261 बिलियन डॉलर्स है। कोलकाता का जीडीपी पर कैपिटा है 9,677 यूएस डॉलर। नंबर 2, दिल्ली। दिल्ली भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहां की इकोनॉमी में 80% हिस्सेदारी अकेले सर्विस सेक्टर का है। भारत की राजधानी न्यू दिल्ली का हिस्सा यही होने के नाते यहां देश में सबसे ज्यादा विकास के कार्य होते रहते हैं। इसके अलावा दिल्ली में टूरिज्म सेक्टर का भी अच्छा खासा हिस्सेदारी है, जो कि डेवलपमेंट के साथ साथ अपने हजारों साल का इतिहास आज भी संजोए हुए है। इसके अलावा दिल्ली अपने फूड्स के लिए भी पूरे दुनिया में मशहूर है, जिसके स्वाद का दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। दिल्ली में आज हर चीज का थोक और खुदरा बाजार भी मिल जाएगा। अमेजोन, गूगल, एडोब, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, सैमसंग, ट्विटर, बीएमडब्ल्यू, फेरारी, लैम्बर्गिनी और एप्पल जैसे कंपनीज के हेडक्वार्टर और ऑफिस मिल जाएंगे। दिल्ली का जीडीपी 370 बिलियन यूएस डॉलर्स का है, पर एनसीआर का हिस्सा जैसे गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम को भी मिला लें तो दिल्ली एनसीआर का जीडीपी 550 बिलियन डॉलर्स के आसपास होता है। दिल्ली का पर कैपिटा 11,232 यूएस डॉलर्स का है। नंबर 1, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा और अमीर शहर है मुंबई, जिसके लिए ये कहा जाता है कि ये शहर कभी नहीं सोता। यहाँ ना सिर्फ भारत के हर कोने से लोग आते हैं, बल्कि पूरे दुनिया से भी लोग यहाँ बिजनेस या जॉब करने के लिए आते हैं। यहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और आरबीआई जैसे देश के प्रमुख इकोनॉमिक संस्थाएं मौजूद हैं, जिसके चलते इसे भारत का फाइनेंशियल कैपिटल भी बोला जाता है। मुंबई पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा मल्टीकल्चरल और डाइवर्स सिटी भी है। कस्टम ड्यूटी, आईटी कलेक्शन, एक्साइज ड्यूटी और कॉरपोरेट टैक्स के साथ साथ बॉलीवुड, फैशन इंडस्ट्री और मराठी सिनेमा मुंबई के अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा बिलियनियर्स और मिलियनियर्स इसी शहर में रहते हैं। मुंबई भारत में रहने के लिए सबसे महंगा शहर भी है। इसके अलावा भारत की कई होमग्रोन कंपनीज जैसे कि रिलायंस, आदित्य बिरला ग्रुप, टाटा और गोदरेज मुंबई से ही संचालित की जा रही हैं। टूरिज्म में भी मुंबई का नाम सबसे ऊपर आता है, जिसके चलते मुंबई का जीडीपी 606 बिलियन डॉलर्स का हो गया है और पर कैपिटा इनकम 23,000 यूएस डॉलर्स के साथ भारत में दूसरा सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों, ये था वीडियो टॉप 10 रिचेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया बाय जीडीपी इन पीपीपी टर्म ऑफ 2023। होप आपको ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। अगर आप इन 10 शहरों में से वीडियो देख रहे हैं तो अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा।
और अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना है कमेंट कर जरूर बताइएगा। जय हिंद।